दुनिया भर की तरह कनाडा के शहर ओटावा में भी फलस्तीन पर जारी इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज किया गया है। इस एहतजाजी मुजाहरे में हजारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहरीन में तमाम मकबे फिक्र के लोगों ने शिरकत की। रैली फलस्तीनी तलबा की एक तंजीम ने ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा मुकामी गैर मुस्लिम कैंडिडेट्स ने भी भरपूर शिरकत की और इसराइल के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा रहनुमा इफ्तिखार मिर्ज़ा की क्यादत में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने भी मुजाहरे में शिरकत करके फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओटावा में ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं फलस्तीन के हक में, और ताज़ा जो इसराइल ने मस्जिद बैत अल-मक़द्दस पर हमला किया है, नमाजियों को शहीद किया है, उसके खिलाफ और इसराइल की इलीगल ऑक्यूपेशन के खिलाफ ये सारे ओटावा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी ये पीस मॉन्यूमेंट से ये फलस्तीन स्टूडेंट्स का और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, बल्कि इसमें तमाम मकबा फिक्र के मुसलमान इसमें शरीक हैं, और इवन लोकल कैनेडियन भी जो कि नॉन मुस्लिम है वो भी इसमें शरीक हैं। तो ये प्रोटेस्ट अभी जा रहा है ये पार्लियामेंट की तरफ, तो इनके ये ह्यूज फ्लैग है और थाउजेंड्स ऑफ पीपल है, काउंटलेस पीपल हैं। तो ये एक एंडोर्समेंट है कि ओटावा जिंदा है और फलस्तीन के साथ खड़ा है। इफ्तिखार मिर्ज़ा का रैली के मुताबिक तफसीलात बताते हुए क्या कहना था, आइए देखते हैं। आई एम स्टैंडिंग एट दी प्रोटेस्ट फॉर दी मस्जिद अल-अक्सा एंड ऑर्गेनाइज बाय दी फलस्तीनियन ऑर्गेनाइजेशन, लॉट ऑफ क्राउड ओवर हियर एंड इट्स फुली चार्ज, थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे आर अटेंडिंग एट दी पीस मॉन्यूमेंट ऑन दी एल्गिन स्ट्रीट। इफ यू आर फ्री प्लीज ज्वाइन।